अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में यूथ अकाली दल प्रधान सुखन संतू का गोलियां मारकर किया कत्ल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जानकारी देते हुए मृतक के पिता गुरविंदर सिंह ने बताया कि बीती रात मेरा बेटा करीब से 9 बजे घर से शहर की तरफ निकला है और कुछ समय बाद ही पुलिस द्वारा उन्हें फोन आया कि आप जल्दी से ठंडी सड़क के पास पहुंचे। जब जाकर देखा तो मेरे बेटे का कत्ल हुआ पड़ा था। मेरा बेटा यूथ अकाली दल का प्रधान था और चुनावों के वक्त हमारा झगड़ा भी हुआ था, जिसके चलते हमारी कुछ कांग्रेसी लीडरों के साथ रंजिश भी चल रही थी। मेरे बेटे के ऊपर 307 का पर्चा भी हुआ था और 3 महीने जेल में भी लगा कर आया था। मेरा अकेला ही एक बेटा था, मुझे पुलिस से इंसाफ चाहिए। गुरविंदर सिंह, मामला मेरा बेटा मतलब कि शहर गया सवा 9 बजे घरों, पहला शहर चो आया गड्डी लेके, किसी ने 40,000 रुपया मंगया धारा, वो पहला सानू फोन किया भी ऐ करके डैडी 40,000 रुपया मैं लेके जाना, असी 40,000 रुपया कढ के रखिया, तो वो कहना भी 40,000 रुपया असी उन्होंने देता तो गड्डी अंदर ला गया एक्टिवा लै गया। मैं कहा बेटे गड्डी लै जा, वो कहना भी गड्डी की करनी डैडी, मैं इतों नेड़े मुड़ना तो मैं 15-20 मिनट चल जाता। 15-20 मिनट बाद असी जो फोन लाया, फोन बिजी आ रहा, बिजी आने के कारण मुड़ के असी दूजे तो फोन लाया, वो पुलिस वाले ने चक लिया नाल चौंकी वाले ने, कनाल चौंकी वाले असी आख्या भी तुम कौन, थोड़े को फोन मेरे बेटे का किमें आया, वो कहें जी तुम पुरानी चौंकी को पहुँचो जल्दी जल्दी। मैं हाँ जी मतलब कि की गल हो गई, मेरे बेटा किसी ने लड़ता नहीं पाया, तो असी तो पेशेंट हाँ आप अगे तो सानू मतलब कि दस दो की गल आ, वो कहते भी गल कुछ भी नहीं, तुम आ जाओ जल्दी। असी मैं कार क्ढी, मैं तो मेरी मिसिज दो ही जने असी उ चले गए, जाके देखा सड़क के लंबा फिर मार के सट गए। साड़ी रंजिश सी पहलों तो मतलब के जो ASI ने पूछा, SHO ने भी पिस्टल क्यों रखता 24 घंटे नाल, असें भी साड़ी रंजिश सी भी 307 का साडे वोटा पर भी परचा होया, इतने मोहन लाल चुंबा उन्होंने साडा दुश्मनी का कम चल रहा, आह कम सी कांग्रेस अकाली दल यूथ अकाली दल का प्रधान सी मेरा बेटा, आ वोटा से पिछलियाँ च हरसिमरत दिन वे परचा होया 307 का, 3 महीने जेल आ गया बेटा मेरा। ये रात हैगी जी कोई 9:30 9:30 के बिच बिच है, तो 10:15-20 मिनट से मेरे को पुलिस का फोन आ गया। नहीं शक हजे तक किसी से नहीं, एवें असी झूठा ना किसी को लेंदे ना, ना लेगी ना लेना, अमर छकया वे ठीक है ना, जिहड़ी दुश्मनी है वह थोनू दसता भी साड़ी इस बंदे नाल दुश्मनी है। मुंडे की उम्र 26 साल जी, नौजवान से कला मुंडा सी मेरे, पुलिस तो बस इंसाफ चाहते जी भी उस बंदे सज़ा मिल जाए, जा सानू बंदा ट्रेस करके दे देना, मैं वो बंदे नू आप मारूंगा खुद, 20 साल ही मैं कट के आ सकता पर मैं इंसाफ चाहना। सर की नाम है जी तुहाडा? SHO चमकौर सिंह। ए सर मामला की होया जिहड़ा कतल होया जी? कि रात 9:15 दे करीब मैं कॉल आई सी मेरे ड्यूटी अफसर की, सर इस तरह करके मौका पर पहुँचो तो एक अणपछाता व्यक्ति खून नाल लथपथ पिया, तो मौका पर जाके देखा तो उसका फोन बज रहा सी ते खून नाल लथपथ सी, तो फोन ऑन किया तो पिता ने चक्या, उसके पिता को मौका पर बुलाया गया, उसने शनाख्त की, फिर उसको हस्पताल लिया के मोर्चरी जमा करवाता सी। तो उसकी सर मुढ़ली जांच की पता लग गया कि मामला है? हजे जांच चल रही है जी। कितनी के गोलियां बजीं? डॉक्टर साहब दसणगे जी हजे एक लग रही है गोली, बाकी डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम क्लीयर हो जी। ये लीडर भी है जी कोई अकाली दल का? नहीं ये बारे हजे कुछ नहीं कह सकते। समा कितना किसी रात का? रात करीब 9:15 का समा। एक सर ये पिता ने आरोप लगाया कि रंजिश सी कांग्रेसी लीडर ने नाल, कुछ इस तरह निकल के आया सामने? हजे इस तरह की साढ़े कोले कोई गल नहीं। हुण पुलिस वालों किस तरह की कार्रवाई की गई? अभी केस रजिस्टर करता जी, तो जाँच जा रही है, पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।